रशियन कहाँ मिलेगी? रशियन 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 इधर कहीं मिलता है? रशियन रशियन किधर मिलेगी? दारू नहीं रशियन। गुड यस सर। सर एक्चुअली हमें यूट्यूबर यूट्यूब पे वीडियो बना दे तो ये लगा था तो लोग आए थे, लोग एक्सप्लोर करने थोड़ा सा। ये गार्ड रोड है सर सेफ्टी पर्पस के लिए। जी सर। नहीं सर वो गार्ड है। सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बचाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाए। हेलो जी, कैसे हैं? सो गाइस, मैं आपका दोस्त फ्राइडे स्वागत करता हूं फिर से एक और न्यू मस्त एक मसालेदार वीडियो के साथ। सो गाइस, आज अपन चल रहे हैं रिएक्शन वीडियो शूट करने के लिए, जो कि यहां पे लगा हुआ है यार, समझ सकते हो कार्निवल। सो अभी लोग चलेंगे गाइस वहां पे रिएक्शन वीडियो शूट करने के लिए। मेरा 3 दिन से प्लान था, बट जो हमारे अरमान भाई है ना वो बन चुके बहुत बड़े वाले टपकेबाज। उन्होंने हम लोग को 2 दिन से टपका दिया जा रहा है। भाई यार वीडियो देख रहे थे, टपका मत दिया करो भाई, जिस दिन की प्लान हो ना उसी दिन चला करो वीडियो शूट करने के लिए। सो गाइस आज हम लोग चल रहे हैं, तो यार चलेंगे वहाँ पे थोड़ा सा रिएक्शन शूट करेंगे एंड टाइटल थंबनेल से आप लोग समझ जाओ किस टाइप का रिएक्शन शूट होगा। तो मुझे कुछ नहीं पता गाइस, अभी चलते हैं सीधे हम लोग नीचे एंड नीचे के स्पाइडी निकालते हैं एंड आते हैं मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे एंड चलते हैं अरमान के पास। एंड अगर आज उस बंदे ने मुझे टपका दिया तो मैं उसको यार एक्सप्लोर कर दूंगा पूरा का पूरा गाइस। सो गाइस यार अभी चलते हैं नीचे एंड सीधे मिलते हैं आपसे मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे। तो चलो गाइस अपन आ चुके हैं नीचे एंड देख सकते हो यहाँ पे खड़ी हुई अपनी बेस्ट स्पाइडी। सो गाइस यार अभी चलते हैं लोग अरमान के घर पे एंड मैंने यार बताया ना अगर आज वो बंदे ने मुझे टपका दिया तो मैं उसको एक्सपोज कर दूंगा गाइज। डेविल व्लॉग्स विद टपकेबाज व्लॉग। सो भाई पता है बड़े बड़े यूट्यूबर आपका चैनल मोनेटाइज है। सो गाइस इधर अभी यार बताओ कि अपने स्पाइडी में क्या न्यू मॉडिफिकेशन करवाई है। मैंने रैप का सोचा था बट रैप नहीं करवाएंगे बिकॉज यार हमारे मोहल्ले के लड़के माशाल्लाह इतने अच्छे हैं कि वो लोग मेरा एक से एक नुकसान करें। जैसे कि देख सकते हो यहाँ का ये बटन टूट चुका है, उसको मुझे ऐसे खींचना पड़ रहा था जाके जल रहा एंड ऐसे बंद करना पड़ रहा, तो उसको भी इन लोग को एक्सचेंज कराना है गाइस। तो अभी यार हालत बहुत खस्ता हुई है, पैसे वैसे है नहीं अपने पास गाइस। सो अभी फ़िलहाल यार देखो क्या है, देखो यहाँ पे स्टिकर लगा था वो भी इन लोग ने फाड़ चुके एंड इसको हम लोग को शायद निकलवा दें हम लोग, बिकॉज गैर जिसके लिए लिखवाया था वो तो भाई बदल चुका है बंदा। तो गाइस यार अभी फ़िलहाल चलते हैं सीधे मोटो ब्लॉग पे, आप लोग से बात करते हैं तो यहाँ से निकलते पहले अपने गेट से। सो गाइस चलो निकलते हैं। ठीक है, अभी अपन निकल चुके हैं अपने गेट पे से एंड गाइस यार मैं जैसा कि बोल रहा हूँ ना, अगर आज अरमान ने मेरे को टपका दिया तो गाइस यार मेरा थंबनेल यही रहने वाला है, डेविल ब्लॉग्स बन गया टपकेबाज चैनल मोनेटाइज होने के बाद। सो गाइस यार आज अरमान भाई कोई प्रैंक मत करना यार, उसने को मैंने कॉल किया यार, देखो परसों लोग का प्लान था तो उसने अपने घर वालों के साथ प्रैंक शूट कर लिया एंड आज हम लोग का कल हम लोग का प्लान था तो बंदा कॉल नहीं पिक कर रहा था, फिर आज प्लान बना तो आज अगले ने कहा है कि गाइस यार उसने कहा आओ भाई घर पे एंड ये नहीं बताया चलेगा कि नहीं चलेगा, बस उसने कहा भाई घर पे आओ, क्या भाई रेडी हो ना, तो बस कह रहा भाई घर पे आओ। तो देखते हैं घर पे होता क्या इनके भैया। एंड गाइस यार पिछली वीडियो पे आप लोग ने भी अच्छा खासा व्यू दिया बट यार 1K का मेरा ड्रीम नहीं मतलब एम मैंने रखा था तो 1K तो नहीं कर पाए आप लोग ने। एंड यहाँ सामने खड़ी NS160 फुल मॉडिफाइड रैप एंड अभी चलते हैं भाई के पास फिलहाल। गाइस यार वो NS160 पे अपने ग्रुप की है, जो वो खड़ा था लड़का उसके भाई की है गाइस एंड सामने खड़ी है RS। सो गाइस यार हमको तो अपने डेविल से मिलना है, सो फटाक से चलते हैं डेविल के पास गाइस। एंड यार लेट पे लेट हो रही है, अभी धूप है, देखो धूप में जो गोबरों में क्वालिटी रहती है ना वो क्वालिटी एकदम मस्त मिलती है एंड धूप जाने के बाद वो क्वालिटी डल हो जाती। सो गाइस बिग फैन ब्रो भाई, बिग फैन। सो गाइस यार इनको कौन कौन पहचानता है नीचे कमेंट करके जरूर से बता देना। सो गाइस यार अपने भाई इज्जत देते हैं ब्लॉग में लोग इनको कॉस्मिक ब्लॉग भाई, जो कि ब्लैक पैंथर से अपने हैं, तो भाई पैंथर से। सो गाइस बड़े बड़े यूट्यूबर से यहाँ पे मुलाकात हो गई, तो अंदर से एक और आज अगर अरमान ने हमको टपका दिया भाई तो हम अपने चैनल पर अरमान को एक्सपोज करेंगे। डेविल ब्लॉग्स बन गया टपकेबाज, ठीक है ना भाई। तो गाइस यार अरमान को बुलाते हैं नीचे, बताओ हाँ ऐसे मत लगाओ, हाँ ऊपर से बस गिरा देंगे, जैसे हाथ भी गिराया था देखो कुछ नहीं हुआ था, सारा लगा दिए हाँ। कैसे सही होगा, कैसे सही होगा, चलो भाई हटेगी वहां तब सही होगा, इसीलिए तुम भाई मुबारक बना किया था कि मत आओ। अरे भाई क्या हुआ भाई, किस बात की मुबारक, हमारी शादी थी तो लगी नहीं है। अच्छा हाँ भाई, हम कहे हमारी शादी थी लग गई का भाई, हमें पता ही नहीं रहा भाई। भाई धमकी भाई, हाँ चल रहे ना,
चलो भाई लेकिन पहले पक्षी को जाना पड़ेगा एकदम कहाँ चैनल जो हुआ है मोनेटाइज हाँ मोनेटाइज हो गया लेकिन एडसेंस अकाउंट हम पहले बना दिए थे एडसेंस वाला हाँ उसमें पता है क्या हुआ एडसेंस बनने के बाद वो वहाँ पे वाला अकाउंट का रेवेन्यू नहीं शो कर रहा जबकि पैसा मेरा उसमें वाइटी स्टूडियो में शो कर रहा पैसा उसमें कितना डॉलर बना भाई बता देते भाई 16 रुपया 0.2 डॉलर कल 1 डॉलर था एक 0.2 अभी जो डाले थे अरे भाई बड़े बड़े यूट्यूबर गाइस और तुम बेटा हमको एक्सपोज करोगे इधर देखो एक्सपोज करोगे क्या धमकी दिए हो तो गाइस इधर अभी यहाँ से फिलहाल निकलते हैं बैठो भाई सो गाइस इधर अभी हम लोग जा रहे हैं बख्शीपुर बिकॉज यार अरमान का जो क्या कहते हैं चैनल मोनेटाइज हो चुका है ना गाइस बट मोनेटाइज होने के बाद भी बंदे का मतलब कि क्या कहते हैं डॉलर नहीं बन रहा है यहाँ पे इशू हो गया फिर से भाई स्टैंड ऑन शो कर रहा रुक जाए एक सेकेंड यहाँ पे एक वायर होगा उसको सही करना पड़ेगा इसको अंदर कर दो बस हो गया नहीं यार नहीं हुआ एक सेकेंड सो गाइस इधर ये इशू हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है स्टैंड ऑन वाला इसको हम लोग को सही करवाना पड़ेगा गाइस जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सो गाइस देख सकते हो गाइस हो चुकी स्टार्ट बट इस टाइप से स्टार्ट हो रही है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही गाइस अगर मेन हाईवे पे मैं फंस गया ना तो मेरी कांच निकल जाएगी बाहर सो गाइस यार कॉन्डम लॉक छोड़ के भाग गया हम लोग को तो आप उनको बताते हैं भाई घमंड में हो ज्यादा सब्सक्राइबर तो ईगो आ गया तुम्हारे अंदर सो गाइस यार देख सकते हो इस बंदे को मैं चला था अरमान को एक्सपोज करने बट अब एक्सपोज करूंगा भाई दूसरे को एंड गाइस देखो रिएक्शन वीडियो बन पा रही है कि नहीं बिकॉज यार थोड़ा सा इशू हो रहा है एंड बिकॉज भाई बंदे का पहले पैसा मेन है ना गाइस बंदे का डॉलर नहीं बन रहा है तो उसके लिए नहीं चलने बिकॉज उसका डॉलर बने एंड उसको यार पेमेंट वेमेंट आए फटाक से कोई तो अपने ग्रुप में आगे बढ़े गाइस मैं तो यही दुआ करता हूँ यार कि कोई तो आगे बढ़े गाइस मेरा कहना है जेलस ना रखो ये जेलस रखो ना कि मैं अगले से ज़्यादा मेहनत कर सकूँ उसकी ली हुई चीज़ों पर उसकी मेहनत पर ना जेलस करो कि यार क्या कहते हैं बंदे के पास ड्यूक है कैमरा है ये है वो है भाई बंदे के पास गोप्रो है भाई ये सोचो ना कि मैं कैसे ले लूँ मुझे मेहनत अपने ऊपर काम करो गाइस अपने ऊपर सो अभी फ़िलहाल चलते हैं आगे एंड देखते हैं बख्शीपुर में होता क्या है एंड भाई अरमान की ड्यूक में हो गया इशू इस वजह से चलने लोग प्लेटिना एक साइड लेके तो फटाक से पहले चलते हैं आगे एक्शन देखो ऑटो वाली आंटी का उनकी बच्ची का सो गाइस यार रिएक्शन चेक करो इस टाइप का रिएक्शन मिलता है आप लोग ने देखा किस टाइप का वो लोग रिएक्शन मेरे को दे रहे हैं एंड गाइस रिएक्शन लिया जाए कि आगे निकला जाए रिएक्शन तो अच्छे खासे मिल गए तो चलते हैं अब आगे सो गाइस यार गैप खाली अपन को चाहिए रहता है बस हम लोग थोड़े से गैप में बहुत कुछ कर ले जाते हैं गाइस पता नहीं क्या हो रहा है मैं राइड कर रहा हूँ ना मेरा हाथ पैर कांप रहे ऐसे लग रहा है मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है एंड ऐसा जब जब मेरे साथ हुआ ना गाइस तो पक्का मेरा 101% एक्सीडेंट हुए हैं तो इसलिए थोड़ा स्लो स्लो चलेंगे बिकॉज देख सकते हो मेरा हाथ पूरा रेड हो चुका है एंड कांप रहा है बहुत ज़्यादा तो अरमान का करते हुए वेट देन चलते हैं आगे भाई यहाँ पे क्या है यूट्यूबर हैं कौन यूट्यूबर हैं भैया 7,000 अब हमें पता है तुम 16 लाख वाले से मिलवाते साउंड कहाँ लेके जा रहे भाई बाहर चले सो अभी चलते हैं यार अब फिर से रिएक्शन शूट करने के लिए एंड गाइस सो गाइस यार लेट पे लेट होते ही चली जा रही है एंड यार क्या बताऊँ मैं आपको जिस काम से निकलो वो काम जब थोड़ा सा फंसने लगता है ना फिर टेक्निकल इश्यूज भी होने लगते हैं जैसे कि मेरा गोप्रो चार्ज नहीं हो रहा है अरमान के घर पे एंड अब यहाँ से निकलना है हम लोग एंड यार रेटिना प्लेटिना वालों को हम लोग ने भगा दिया अपने साथ आ चुकी डेविल एंड जब ड्यूक निकल चुका है ड्यूक और स्पाइडी डेविल एंड स्पाइडी की जोड़ी जानते हो गाइस देख सकते हो बंदा फुल फॉर्म निकला है इधर से अब एंड यार फुल राइडिंग गियर्स हम लोग ने पहन लिए बिकॉज हम लोग को चाहिए मस्त मस्त रिएक्शन एंड राइडिंग गियर्स में भी रिएक्शन अच्छे खासे मिलते हैं एंड भाई यार भाई बंदा पूरे फॉर्म में भगा रहा है भाई फॉर्म राइड हो रही है फॉर्म में हो एकदम फॉर्म में एकदम राइड हो रही तो गाइस यार बंदे के अंदर जोश आ गया बिकॉज भाई का चैनल मोनेटाइज हो गया गाइस
भाई वो खुशी अलग बंदों को मिलती है यार। ये देखो क्रैश था गाइस, क्रैश था क्रैश, बट बच गए अपन। एंड फटाक से चलते हैं यार, ब्लॉग अच्छा खासा लंबा हो चुका होगा बिकॉज हम लोग वहाँ की भी क्लिप डालेंगे एक मिनट की जो उनसे बातें हुई है, एंड यहाँ की तो क्लिप रहेंगी रहेंगी। सो गाइस यार निकलते हैं, आज तो फुल फॉर्म राइड होगी। ट्रैफिक देख सकते हो बहुत ज़्यादा, शाम हो गई ना गाइस, अब ट्रैफिक हम लोग को मिलेगा। एंड हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो प्लेस पे क्राउड भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे ट्रैफिक मिलना आराम से कंफर्म है, ट्रैफिक मिलना गाइस टाइट। एंड गाइस यार अपनी स्पाइडी इतने पटाखे आज मार रही ना कि यार आप लोग से बताते हैं। एंड गाइस चाची का रिएक्शन देखो भाई, बंदा रिएक्शन हमको दिलवाने आया आज, कह के निकला कि आज तुमको रिएक्शन मिलेंगे। एंड यार मेरे को पता नहीं क्यों भगाते हैं, डर लग रही है बिकॉज यार मेरा हाथ पैर जब कांपता है ना तो उसमें मैं पक्का क्रैश होता हूँ उस दिन। सो गाइस यार भाई यार निकलते हैं फटाक से यहाँ से पहले। गाइस यार सनसेट का टाइम है, निकले हैं ब्लॉग करने यार, मौसम एकदम मस्त। सो गाइस फटाक से भी चलते हैं भाई। इंडिकेटर अपना यार ऑन नहीं होगा मेरे को पता है बिकॉज ये रह रहे वायरिंग छोड़ दे रहा है। एंड गाइस यार आज हम लोग को मिलेंगे मस्त मस्त कंटेंट है यार, वॉइस बताओ कितनी मस्त आ रही, क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। सो गाइस यार रिएक्शन आज मिलने चाहिए बस भाई। एंड गाइस यार ब्लोरो में देखो टायर चेंज करवा के रखे है भाई ने। सो गाइस यार फटाक से चलते हैं अंदर भाई। एंड भाई एक भाई ने कमेंट किया था कि यार अब तुम फैमिली व्लॉगिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हो, तो भाई उसका रीज़न ये है ना मुझे फैमिली व्लॉगिंग पे ध्यान देने का कि यार उसको मतलब कि हर एक पर्सन देखता है, बूढ़े बच्चे सब देख रहे हैं। हाँ अंदर चलते हैं भाई। गाइस यार पब्लिक रिएक्शन नोटिस करना खाली। सो गाइस इधर पार्किंग में पार्क कर देते हैं पहले अपनी गाड़ियों को। रिएक्शन चेकआउट करो भाई, तगड़े वाले रिएक्शन। तो भाई जलवा है हमारा, अब दिखाते हैं जलवा। अब देखो यहाँ पे कितने लोग पूछेंगे ये क्या है भाई, अभी कितने लोग पूछने वाले ना ये क्या है। बस 50,000 का खिलौना है ये ना भाई, लोग प्राइस सुन के डर जाते हैं कि भाई बंदे ने लगा क्या रखा है। भाई शूज़ मैंने नहीं सही पहना है यार, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को भाई। यार स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आना था बट यार मैं मिट्टी की वजह से ऐसा शूज़ नहीं पहना हूँ, ध्यान दे भाई। तो भाई यार सामने लड़की का रिएक्शन देखो निकाह बोले। हाँ भाई रिएक्शन देखने लायक है भाई, एक काम कर दो हमारा फ्रंट कैमरा बंद कर दो, तुमको पता था ना, चलने दें कोई इशू नहीं ना। तो गाइस यार क्राउड नहीं उतना भाई, मिलेगी रशियन नहीं पता क्या। तो गाइस यार बच्चों को रशियन पता है क्या होती है, रशियन हाँ नहीं पता रशियन क्या होती है, नहीं वीडियो नहीं बना रहे वो, रशियन क्या होती है बताओ, नहीं पता। राइडिंग नहीं करते यार, रशियन ढूंढ रहे, रशियन कहाँ मिलेगी नहीं पता, आगे मिल जाएगी, आगे मिल जाएगी रशियन आगे मिल जाएगी। गाइस तो आगे चलते हैं भाई। तो गाइस यार रशियन भाई बंदा कह रहा है रशियन मिल जाएगी, और जब कह दिया उसने रशियन मिल जाएगी तो मिल भी जाएगी भाई। मतलब है भाई रिएक्शन से मतलब है, कोई आके कुछ कह देता तो भाई बात भी दूसरी रहती, फिलहाल रिएक्शन सिर्फ मिल गया मेरे को। क्राउड नहीं ना है ब्रो, भाई और किसे पूछें, किससे पूछें और रशियन के लिए चचा से पूछें, रुको आगे पूछते हैं। तो गाइस इधर अब ये लोग पूछेंगे रशियन कहाँ मिलती है, चचा रशियन कहाँ मिलेगी, रशियन रशियन सामान, रशियन नहीं पता जान दो। तो गाइस इधर किसी को यहाँ पे रशियन नहीं पता क्या होती है भाई,
भैया रशियन पता करना है, रशियन भैया से पूछते हैं भाई रशियन कहाँ मिलेगी, रशियन 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 कहाँ मिलेगी, रशियन रशियन नहीं पता यार दोस्त, रशियन कहाँ मिलेगी, रशियन 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 यहाँ नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, चौराहे पे मिलेगा, चौराहे पे मिलेगा, जान रहे क्या रशियन भाई रशियन हमें पूछना, और लोग से हम पूछ ले आओ तो गाइस यार हम लोग रशियन ढूंढ रहे हैं, रशियन तो गाइस यार रशियन कहाँ मिलेगी गाइस, तो गाइस भाई कहाँ रशियन ढूंढा जाए, भाई रशियन कहाँ मिलेगी तुम लोग तो बताओ भाई, भैया ने बताएं नहीं मिल रही बताओ, यहाँ नहीं मिलेगा भाई, यहाँ पे रशियन नहीं ना मिलेगी, रशियन रशियन गोरखपुर रशियन नहीं ना मिलेगी, बच्चे बता रहे नदी पास ही यार, गोवा अभी से मिल जाएगी नदी पास, नदी पास भाई इधर रशियन चाहिए भाई, हाँ देखा जाए मैटर कुछ नहीं कहूँगी, हीरो होगा हम बताएं, तो गाइस इधर अब हम लोग चलते किसी लड़की मतलब कि आंटी से रिएक्शन पूछने, अरे रशियन का पूछने, तो गाइस इधर इधर से चलते हैं भाई, रशियन पता करना है अपन को, रशियन कहाँ मिलेगी, कहाँ ढूंढें गाइस, यहाँ पूछते हैं वीडियो भाई, यहाँ पूछे आंटी जी रशियन कहाँ मिलेगी, रशियन 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 इधर कहीं मिलता है, कहाँ पे, नहीं बाबू मैं नहीं बनाना, कह रही है गाइस अभी रखा तो है भाई, यार कह रही क्या ये सब रखा तो है गाइस, यार रशियन चाहिए गाइस, तो वापिस चला जाए भाई, अब लंबा उतना ब्लॉग हो गया कि अपना निकाल ले जाएंगे, एक बार और किसी से लास्ट पूछ लेते हैं रशियन के लिए, तो किससे पूछा जाए गाइस आप लोग बताओ, थंबनेल लगेगा गाइस, यार रशियन का किससे पूछा जाए, सामने चाचा से पूछते हैं, चाचा रशियन किधर मिलेगी, रशियन 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 किधर मिलेगी, दारू नहीं रशियन, हाँ नहीं पता, गुड यस सर, सर एक्चुअली हमें यूट्यूबर यूट्यूब पे वीडियो बना दे तो ये लगा था, तो लोग आए थे लोग एक्सप्लोर करने थोड़ा सा, ये गार्ड रोड है सर सेफ्टी पर्पस के लिए, जी सर वो नहीं सर वो गार्ड है सेफ्टी पर्पस के लिए, जैसे यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं ना हम लोग, ये लोकल के ही है, ऐसे कि बना था तो लोगों ने कहा कि जाके वीडियो शूट कर सकते हैं, तो यही आते वीडियो शूट करने, हो गया सेफ ड्राइव करते हैं सर, हेलमेट हेलमेट के साथ, बिहारी बहुत जो है वहाबी है जी जी, तो गाइस यार क्या हो रहा, पुलिस वालों ने पकड़ लिया भाई, रशियन खोजने आए थे पुलिस वालों ने पकड़ लिया, गाइस यार ये हुआ क्या गाइस, गाइस मतलब हद है, तो भाई अभी चलते हैं यहाँ से निकलते हैं, एंड यार जिस काम के लिए आए थे वो तो नहीं, लेकिन रशियन की खोज हो गई, लड़कों ने कहा नदी पास मिलती रशियन, नदी पास रशियन मिलेगी ना, चलो हम लोग चलते हैं नदी के पास, खोज पे आए थे पर रशियन मिल नहीं पाई, जिसकी खोज में निकले तो वो चीज़ हो नहीं पाई पूरी, एंड बट यार ब्लॉग में मज़ा आ गया आज गाइस, यार रशियन चाहिए थी रशियन नहीं मिल पाई बस, हाँ भाई हाँ हाँ, इन्हीं पुलिस वालों ने भी रोका था, तो अब फटाक से यहाँ से निकलते हैं हम लोग, एंड गाइस यार ये टूट गया है ना, तो इसको ऑन करने मेरे को बहुत ज़्यादा इशू हो रहे हैं, एंड गाइस यार कमेंट करके बताओ रशियन वाली पार्ट कैसे लगी आप लोग को, एंड गाइस यार रशियन चाहिए थी हम लोग को, रशियन नहीं मिल पाई गाइस, अब भाई लोग रशियन का काम था, रशियन मिला ही नहीं आज हम लोग को, तो क्या करें गाइस,
बताओ यार रशियन नहीं मिला गाइस यार, रशियन रशियन, अब नेक्स्ट टाइम आएंगे रशियन अच्छे से खोजने हम लोग। बच्चों ने बताया नदी किनारे मिलती है रशियन। एंड यार गोरखपुर में ऐसी कौन सी नदी गाइस यार कमेंट करके बताओ जहाँ पे मेरे को रशियन मिल जाए। तुम्हारा भाई जाएगा रशियन को लेके आएगा, अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए। वंदी ब्लॉग देखेगी तो फिर सोच लेना क्या हाल होगा। एंड गाइस यार ओपी रिएक्शन यार ओपी, सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा, बट यार रशियन की बात छिड़ गई तो छिड़ गई। चलते हैं वापस घर के लिए बिकॉज काफ़ी देर से निकले हैं। एंड आई होप आप लोग को ब्लॉग में मज़ा आया होगा। एंड अराउंड 17 से 18 मिनट के ब्लॉग होगा, तो गाइस यार आई होप आप लोग एंड तक देखते आ ही गए होंगे ब्लॉग को। सो गाइस यार जो लोग यहाँ तक आ गए मेरे ब्लॉग को देखते उनका दिल से शुक्रिया गाइस। एंड गाइस यार जिन लोग ने आधा देखा उनका भी शुक्रिया, एंड जो लोग ने स्किप कर दिया तो गाइस यार शुक्रिया उसके लिए भी। सो हर चीज़ के लिए शुक्रिया आप लोग का, नीड एंड सपोर्ट एवरीथिंग। सो गाइस यार जल्दी से बस 4K सब्सक्राइबर करवा दो एंड 5K पे गिव अवे रखेंगे अपन। सो गाइस यार अभी चलते हैं फिलहाल घर बिकॉज हो रही है लेट अपने को। सो आई होप पहले ब्लॉग में आप लोग को मज़ा आएगा। एंड कमेंट करके बताना गोरखपुर में रशियन कहाँ मिलेगी। सो मिलते हैं किसी और न्यू मस्ती मसालेदार तड़ाकेदार वीडियो के साथ। तब खुश रहो, मस्त रहो, खाते पीते रहो, बी सेफ, बी हैप्पी एंड गुड बाय।